हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया की रसोई में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राम लड्डू। उसके लिए मैंने लिए ये चने की दाल आधा कटोरी, और उससे आधी ली है मैंने मूंग की दाल। अब दोनों को भिगो देते हैं। 2 से 3 घंटे में दाल आराम से भीग जाएगी हमारी। इसमें से मैं कुछ मूली के पत्ते ले लूंगी जिसकी मैं चटनी बनाऊंगी। हरा धनिया, मूली के पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और नमक। तो चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। दाल को भिगाए हुए 2-2.5 घंटा हो चुका है। तो चलो इसको मैं धोकर इसको भी जार में डाल के पीस लेते हैं। थोड़ा सा जीरा जाएगा और थोड़ी सी हींग, और इसको थोड़ा अच्छे से बारीक पीस लें। अब मूली को कद्दूकस कर लेते हैं। मूली कद्दूकस हो चुकी है, और कुछ पत्ते जो मूली के लिए है मैंने इसको भी बारीक बारीक इसमें काट के डाल देंगे। चटनी और मूली तो अब हो चुकी है तैयार। तो अब शुरू करते हैं हम दाल को काटना। थोड़ी सी हल्दी और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हमें दाल को बिल्कुल हल्के होने तक बहुत अच्छे से फैटना है। इसे जब तक दाल हल्की ना हो जाए तो हम फैटते रहेंगे। तो देखिए दाल बहुत अच्छे से इस टाइम मेरी फूल चुकी है, हल्की हो चुकी है। तेल रख देते हैं गर्म करने के लिए। मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, और अब मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। थोड़े ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो ब्राउन हो चुके हैं पकोड़े, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब गार्निश कर लेते हैं। पे जाएगी मूली, चाट मसाला, काला नमक, और अब जाएगी हरी चटनी। और तैयार है हमारे चटपटे राम लड्डू बनकर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जुड़े रहिए मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।